यह कहना गलत नहीं होगा कि फोन में कैमरा आने के साथ ही फोटोग्राफी की दुनिया पूरी तरह बदल गई। सिंगल रियर कैमरा, ड्यूअल रियर कैमरा, ट्रिपल रियर कैमरा से होते हुए अब एक साथ चार रियर कैमरा तक पहुंच गया है। सैमसंग ने बुधवार को भारत में अपना क्वाड कैमरा स्मार्टफोन गैलेक्सी A9 लॉन्च किया। सैमसंग गैलेक्सी A9 दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जो चार रियर कैमरे के साथ आता है। फोन में 8GB रैम, 28GB स्टोरेज, इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ 18.5:9 एस्पेक्ट रेशियो जैसी कई दूसरी खूबियां भी हैं। सैमसंग का कहना है कि फोन के चार रियर कैमरे इसे सबसे खास बनाते हैं। दक्षिण कोरियाई टेक कंपनी के मुताबिक नए गैलेक्सी A9 के साथ फोटोग्राफी का बेहतरीन अनुभव मिलेगा। फोन की खूबी है कि इसमें दिया गया क्वाड कैमरा सेटअप फोन में अपर्चर f1.7 के साथ 24 MP प्राइमरी सेंसर, अपर्चर f2.4 और 2x ऑप्टिकल जूम के साथ 10 MP टेलीफोटो सेंसर, अपर्चर f2.4 और 120 डिग्री लेंस के साथ 8 MP अल्ट्रावाइड सेंसर और अपर्चर f2.2 के साथ 5 MP डेप्थ सेंसर दिए गए हैं। सभी सेंसर LED फ्लैश के साथ आते हैं। कंपनी का कहना है कि 24 MP प्राइमरी कैमरा सीन ऑप्टिमाइजर मोड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर 19 सीन डिटेक्ट करता है। फोन से लो लाइट में बेहतरीन तस्वीरें आने का दावा किया है। इसके अलावा गैलेक्सी A9 के मोड के लिए डेप्थ सेंसर है। इसके साथ ही तस्वीरें खींचने के बाद बैकग्राउंड को ब्लर किया जा सकता है। अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A9 की डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में। पहली बार आगे से देखने पर फोन में गैलेक्सी A7 वाली झलक मिलती है। फोन में आगे की तरफ 6.3 इंच सुपर एमोल्ड डिस्प्ले, जिसे सैमसंग इन्फिनिटी डिस्प्ले कह रही है, लेकिन यह सैमसंग गैलेक्सी A9 और S9 और S9 प्लस जैसी ही है। फोन में आगे की तरफ पूरी तरह डिस्प्ले का कब्जा है और इससे किसी तरह की नॉच नहीं है। हैंडसेट में बैक पर 3D कलर्ड ग्लास और मेटल फ्रेम है। कुल मिलाकर कहे तो गैलेक्सी A9 प्रीमियम दिखता है और साथ ही सुविधाजनक भी है। सैमसंग का यह क्वाड कैमरा स्मार्टफोन बबलगम पिंक, क्वेरियर ब्लैक और लैमिनेट ब्लू कलर में उपलब्ध होगा। हमें फोन के कलर्स अच्छे लगे। ओप्पो F9 प्रो, हुआवे P20 प्रो, ऑनर 10 जैसे फोन जैसों को भी हम इन कलर में देख चुके हैं।